बंद से बेहाल रहा बिहार और लालू ने फूंका चुनावी बुगुल। जी हां, यकीनन यह चुनावी साल बिहार का और सभी जगह से राजनीतिक तापमान जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि चार साल तक ये तापमान नीचे था, यानी कि जब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। महंगाई के खिलाफ आरजेडी की बिहार बंद की यही हकीकत सामने आई है। अगर बात लोगों की करें तो आज घर से निकलना भी मुश्किल था, कहीं सड़कों पर हंगामा तो कहीं ट्रेनें रोकने की कोशिश। इस बंद के बाद महंगाई से राहत कब मिलेगी पता नहीं, लेकिन हंगामे की वजह हजारों लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ी। महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल का बिहार बंद, यानी हंगामा और बवाल से भरा एक दिन। बिहार में आरजेडी के बंद की वजह से राज्य के कई हिस्सों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा असर नजर आया राजधानी पटना पर। यहां आरजेडी समर्थकों ने करीब करीब पूरा शहर ही ठप कर दिया। हाल ये था कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। महंगाई के खिलाफ इस मुहिम में लालू और राबड़ी भी सड़क पर उतरे। लालू यादव सड़कों पर उतर चुके हैं और खुद हूटर बजा रहे हैं। लालू जी, आप हूटर बजाते हुए चल रहे हैं, क्या है समस्या? बिगुल है, युद्ध का बिगुल है ये। महंगाई के खिलाफ बिगुल फूंक के चल रहे हैं। सारा बिहार जाम हो गया, चक्का जाम, जन आंदोलन हो गया, अब हमारे बस में भी नहीं है। पूरा बिहार बंद है, सफल है और सभी वर्गों के लोग बिहार बंद में समर्थन किया है राष्ट्रीय जनता दल का। और उसमें महंगाई के खिलाफ, कालाबाजारी के खिलाफ, भूख से लोग गरीब मर रहा है। कुल मिलाकर लालू यादव ने बिहार बंद के जरिए चुनावी बिगुल बजा दिया है। ये बात अलग है कि महंगाई से परेशान जनता को इस बंद से भी भारी परेशानी ही मिली। बिहार बंद का असर कई जिलों में हिंसा के रूप में दिखा तो कई जिलों में ये शांतिपूर्ण भी रहा, लेकिन महंगाई के बहाने ही सही, लालू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को जरूर जगा लिया। ये अलग बात है कि महंगाई पर लगातार कांग्रेस को कोस रहे लालू यादव को ये जवाब जरूर देना होगा कि आखिर वो यूपीए को समर्थन कब तक जारी रखेंगे। कुमार अभिषेक, पटना आज तक।